अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ फिट पाट होंगे, मजे में होंगे। मैं आपका होस्ट मोहम्मद राशिद एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो एक न्यूज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन थी उन फार्मर्स के लिए जो केपीके से ताल्लुक़ रखते हैं, और वो फार्मर्स जो अफेक्टेड फार्मर्स हैं। तो वो क्या न्यूज़ है उसके बारे में आज बताता हूँ आप भाई को। वीडियो के साथ बंदे रहिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ऐसी न्यू इन्फॉर्मेशन पहुँचते रहें। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप दोस्तों को पता है कि गंदम का सीजन चल रहा है, गंदम की काश शुरू है, और इस साल जो फ्लड इफेक्टेड एरियाज में, जो जहां सैलाब आया था और सैलाब ने नुकसान किए थे, उन एरियाज में वो फार्मर्स जो गंदम की काश करते हैं, वो फार्मर्स को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। तो इस नुकसान को देखते हुए केपीके की गवर्नमेंट ने यूएस एड, जो बहुत बड़ी एनजीओ है, उनसे मदद मांगी थी, और उस मदद के अगेंस्ट उन्होंने ऐलान किया है कि वो केपीके के जो अफेक्टेड फार्मर्स हैं, जिनकी तादाद 14,850 बताई जाती है, उन फार्मर्स की वो मदद करेंगे। वो उनको गंदम फराहम करेंगे, सर्टिफाइड गंदम फराहम करेंगे, और उसके साथ फर्टिलाइजर फराहम करेंगे उनको, जिसकी तादाद में बताया जाता है कि तकरीबन 743 टन गंदम, सर्टिफाइड गंदम दी जाएगी इन फैमिलीज को, और उसके साथ तकरीबन 1,485 टन वो फर्टिलाइजर भी उसके साथ उनको लगाने के लिए देंगे। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा कदम है केपीके की गवर्नमेंट का, जो उन्होंने अपने अफेक्टेड फार्मर्स के लिए लिया है। डॉक्टर इसरार साहब, जो सेक्रेटरी एग्रीकल्चर भी हैं, वो उन्होंने इस न्यूज़ को बताते हुए बताया कि वो उन्होंने इस पर पहले से काम शुरू कर दिया है, और ऑलरेडी वो तकरीबन जो पेशावर के तीन अजला हैं, जिसमें चमकनी, शाह आलम और मथुरा, इन एरियाज़ में जो फार्मर्स हैं, जो अफेक्टेड फार्मर्स हैं, उन तक वो ऑलरेडी काफ़ी बैग्स पहुँचा भी चुके हैं वीट के और फर्टिलाइजर्स के। इसके अलावा एक और ख़बर, सैलाब के नुकसानात को देखते हुए फेडरल गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि वो 10,000 बैग केपीके के जो अफेक्टेड फार्मर्स हैं उनको देंगे बीज लगाने के लिए, और इसके अलावा 6,90,000 बैग वो बलूचिस्तान के जो अफेक्टेड फार्मर्स हैं उन तक उनको पहुंचाए जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये उन तक पहुँच जाए, और दुआगो रहेंगे उन फार्मर्स तक ये उनकी मदद पहुँच जाए और वो टाइम पर गंदम काश कर ले। उम्मीद करता हूँ आज की न्यूज़ आपको अच्छी लगी होगी, और सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उन तक ये सही इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे। इंशाल्लाह एक दोबारा इस तरह की न्यूज़ के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।